ब्राजील में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों के एजाज में MQM के मरकज 90 पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। मेगा इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले प्लेयर्स को नकद इनामात के अलावा शील्ड्स भी पेश की गईं। इस मौके पर MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। इन बच्चों ने जिस तरीके से पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का ब्राजील में, साउथ अमेरिका में सर फखर से बुलंद किया है, बहुत ज्यादा खराज तहसीन आपको पेश करते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि सड़क पर कितना टैलेंट मौजूद है। बच्चों का कहना था कि हुकूमत स्ट्रीट चिल्ड्रन को सपोर्ट करे तो ये भी हर महाज पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इनको सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है टीम में। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप टीम के खिलाड़ियों ने इससे कबल कराची में सदर मुमलिकत ममनून हुसैन से भी मुलाकात की। मुलाकात में सदर मुमलिकत ने खिलाड़ियों के लिए 1,00,000 रुपए का इनाम भी दिया। कैमरामैन फरहान इलियास के साथ फैजान लखानी, जियो न्यूज़, कराची।